तो भाई सुबह सुबह एक बहुत बुरा न्यूज आ चुका है, बुरा ही मैं इसको बोलूंगा, आप लोग फिर सुनने के बाद बता देना आपके अनुसार सही है या गलत। लेकिन फिलहाल मेरे लिए तो बुरा है क्योंकि मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका चैनल अब लगता है YouTube पे खत्म हो जाएगा, एक तरह से पूरा फ्रीज हो जाएगा। अभी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत बड़ा न्यूज आ गया है, ब्रेकिंग न्यूज ये है। आप लोग ओमेगल के बारे में जानते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। ओमेगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्ट्रेंजर्स के साथ, जैसे अननोन कोई किसी पर्सन के साथ हम लोग वीडियो चैट कर सकते थे। तो ओमेगल ऐसा ही प्लेटफॉर्म था जहां पर हम लोग किसी भी अननोन पर्सन के साथ वीडियो चैट कर सकते थे। अब ये क्या हुआ, ये ओमेगल सुबह सुबह अभी जो है न्यूज आ चुका है कि ओमेगल शटडाउन हो चुका, ओमेगल बंद हो गया, बैन नहीं हुआ, बंद हो गया। बैन होना और बंद होने में दोनों में अंतर है। बैन करता है क्या, गवर्नमेंट करता है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट बैन किया था टिकटॉक वगैरह को, बट ओमेगल खुद बंद हुआ है। इसके जो फाउंडर है, जिनका मालिक एक तरह से मान सकते हैं, उन्होंने खुद ही बंद कर दिया। ठीक है, अभी ओमेगल में होता क्या था, अभी आप लोग देखो। ओमेगल में होता यह था कि ओमेगल के थ्रू वीडियो चैट करके काफी सारे क्रिएटर्स वीडियो बनाया करते थे। इसमें से सबसे बड़े टॉप क्रिएटर की बात करें तो आदर्श यूसी थे, जो कि मेरा खुद का फ्रेंड है, दोस्त है। अब इनका चैनल पूरा ओमेगल पे ही डेडिकेटेड है, देखिए 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और इनके चैनल पर ओनली ओमेगल से ही रिलेटेड वीडियोस आया करता था। और व्यूज देख करके आप लोग शॉक्ड रहोगे, ये देखो व्यूज कल डाला है 20 घंटा में, देखिए 500 के दिख रहा है, यहां देखिए 3.7 मिलियन, 1.5 मिलियन, 4.4 मिलियन, 4.8 मिलियन, 5.8 मिलियन, मतलब 4 मिलियन से भी ज्यादा हर एक वीडियो पे व्यूज आया करता था और 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स था। लेकिन अब बताओ ओमेगल ही बंद हो गया तो इस तरह की वीडियोस अब बनेंगे कैसे? ठीक है, तो ये सब चैनल जो भी था, देखिए काफी सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाया करते थे ओमेगल रिलेटेड, ये देखिए। तो ये सब चैनल जो था ना, अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा क्योंकि अब कंटेंट कहां से बनेगा भाई, प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया तो कंटेंट बनना तो मतलब की बात ही नहीं है कुछ। अब ओमेगल बंद क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्यों बंद किया। इसके फाउंडर ने इसको खुद ही बंद कर दिया। उनका कहना यह है कि ओमेगल देखिए एक प्लेटफॉर्म है जिसको क्या करना पड़ता है कि मैनेज करना पड़ता है। अब प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, इसको मैनेज करने के लिए कॉस्ट आता है, खर्चा आता है। तो इसको जो मैनेज करने के लिए जो खर्चा आता था ना, वो इसके इनकम से ज्यादा आता था, मतलब उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फाउंडर का कहना यही है, इसीलिए इन्होंने बंद कर दिया। और ओमेगल कब से चल रहा है, 14 इयर्स, 14 साल के बाद ओमेगल फाइनली बंद हो गया एक तरह से मान सकते हो। अभी अगर आप ओमेगल वाला साइट ओपन करोगे ना, तो आपके सामने देखिए क्या आएगा, रिप वाला आएगा। रिप जैसे बोलते ना, रिप कोई किसी का देहांत हो जाता है। ये देखिए साइट खोल रहा हूं ओमेगल, ये देखिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ आएगा और ये फोटो भी आएगा। ठीक है, ये देख सकते हो, थोड़ा सा यहां पर नेट स्लो है, ये देख सकते हो। 2009 से स्टार्ट हुआ था, 2023 तक चला, ये सारा आएगा और पूरा इसका डिटेल लिखा हुआ आएगा कि क्यों बंद हो गया, नहीं हो गया, सारा कुछ यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए टोटल लिखा हुआ है। तो ओमेगल यहाँ पर फाइनली दोस्तों आज के डेट से बंद हो चुका है। अब इन सब चैनल्स का क्या होगा मुझे पता नहीं, बट एक बहुत बड़ा न्यूज है जिसको कि आप लोगों के साथ शेयर करना था। ये मेरे लिए मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि देखिए इन लोगों का भी मेहनत होता है, एक एक वीडियो बनाने में 3 से 4 दिन लगता है इन लोगों को। काफी सारे लोगों के साथ बात करते हैं, फिर जो मेन मेन क्लिप्स होता है उनको जोड़ करके वीडियो बनाया जाता था, 8 से 10 मिनट 15 मिनट का। तीन लोगों का चैनल अब क्या होगा पता नहीं आने वाले टाइम पे। अब आप अपना कमेंट करके राय बता देना, आपको क्या क्या लग रहा है, इसको खुशी हुआ या दुख हो रहा है आपको ये सुन करके। एंड आप में से कोई बनाता था क्या ओमेगल वाला वीडियो, कमेंट करके बताना। वीडियो पे नए थे तो लाइक कर देना वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।